गाइस पहले आप इस साउंड को सुनिए। ये स्नैपर बैकग्राउंड में चल रहा था, कितना सुपर फास्ट है था ना स्नैपर। तो क्या आपको इतना सुपर फास्ट चलाने की स्नैपर वाली ट्रिक पता है? और हाँ भाई, मैं आप लोगों के बीच में सस्पेंस क्रिएट नहीं करना चाहूंगा, ये बता रहा हूँ ये एक स्कैम है। आप लोगों को ट्रिक पता चल जाएगी आगे इस वीडियो में। और क्या आपको पता है, आईडी बैन से डेड गरेना फ्री फायर बहुत सारे प्रिकॉशंस लेते रहता है, लेकिन रिसेंटली क्या हो रहा है ना, लोगों की आईडी सस्पेंड हो रही है, लेकिन टेम्पररी मतलब 3-4 दिन के लिए आईडी सस्पेंड हो रही है, फिर उसके बाद नॉर्मल हो जा रही है। तो 3-4 दिन के जो आईडी सस्पेंड हो रही है ना, उसमें मैंने एक चीज नोटिस की है। तो अगर आपको अपने आईडी से प्यार है तो वीडियो को जरूर से पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी चीज नोटिस की है जिससे अगर आप संभल के रहते हो तो आपका अकाउंट कभी भी टेम्पररी सस्पेंड नहीं होगा। शायद आप लोग सोच रहे हो मनीष भाई क्या यार, टेम्पररी सस्पेंड हो रहा ना 3-4 दिन के लिए, उसके बाद तो वापस अनसस्पेंड हो जाएगा। बट हु नोज भाई, टेम्पररी के बदले आपका अकाउंट डायरेक्ट परमानेंट सस्पेंड हो जाए, भगवान ना करे भाई आपके साथ ऐसा हो, लेकिन प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। आज की वीडियो में सिर्फ कमाल की ट्रिक के बारे में बात करने वाले, जिस ट्रिक में आपको पता ही नहीं होगा, इसलिए तो आज की वीडियो का टॉपिक का नाम है थिंग्स यू डोंट नो अबाउट फ्री फायर। थिंग्स यू डोंट नो अबाउट फ्री फायर नंबर 6। इस अपडेट के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट आया था तत्सुया में, कि आप तत्सुया को जंप करके भी यूज कर पाते थे, और इसे प्यार से लोग फ्लाइंग टेक्निक कह रहे थे तत्सुया की। बट रिसेंटली कल के दिन, मतलब कल तारीख थी 5 फरवरी, तो कल के दिन ना फ्री फायर गेम में क्या हुआ कि तत्सुया जो भागते भागते जंप करता था और वो फ्लाई करता था, उस ग्लिच को गरेना ने सॉल्व कर दिया है। यहाँ पे आप बैकग्राउंड में देखते हो, मैं रन कर रहा हूँ, फिर भाई उसके बाद तत्सुया क्लिक करता हूँ और जंप करता हूँ, तो भाई पहले है तत्सुया हुआ करता ना, वैसे अब हो गया ये। और यार ये मतलब गरेना ने ऐसा क्यों किया मेरे को नहीं पता। अब ये तो पता चल गया कि भाई वो जंप कर रहा था, तत्सुया फ्लाई कर रहा था, वो एक ग्लिच था, बट वो ग्लिच अच्छा था यार, गरेना को रखना था, तत्सुया यूज करने में काफी मजा आ रहा था, बट अब भाई फिर से नॉर्मल कर दिया, तो इसलिए मैं तत्सुया यूज नहीं करता हूँ, अब उसके बदले मैं ओरायन का यूज कर रहा हूँ। इंसिडेंट अबाउट फ्री फायर नंबर 5। क्या आपको पता है गरेना फ्री फायर पूमा के साथ कोलैब करने वाला है? ऐसा मैं नहीं, ऐसा आप में से काफी सारे लोग मुझे कह रहे थे। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? अब देखो भाई, आग भी वही लगती है जहां सबसे पहले चिंगारी लगती है, तो चिंगारी लगी कहां से पूमा कोलैब की? तो बेसिकली गाइस ये देखो, ये एक एंजेलिक पैंट है जो कि अपने गेम में अपकमिंग है, अभी तक गेम के अंदर आया नहीं है, और इस एंजेलिक पैंट में जो टेक्सचर है वो येलो इस टाइप का दिया गया है। अबे यार ये गरेना फ्री फायर रेड एंजेलिक, ब्लू एंजेलिक और पता नहीं ग्रीन एंजेलिक, अब येलो एंजेलिक भी ला रहा है। तो यहां पे देखो, वो पूमा है ना, पूमा मतलब पूमा एक शूज की कंपनी है, वहां पे इनका लोगो दिया गया है, मतलब इस एंजेलिक पैंट में पूमा के सिमिलर जैसा लोगो है। अब एग्जैक्टली पूमा के लोगो जैसा लग रहा है, लेकिन ये पूमा का लोगो नहीं है यार, क्योंकि देखो गरेना फ्री फायर पूमा के साथ कोलैब करेगा, ऐसा हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगा, हो सकता है। जहां तक मुझे लगता है, यहाँ पे जो एंजेलिक पैंट में ये पूमा का लोगो दिखा रहा है ना, ये पूमा कोलैब का नहीं है, ये बस एक डिजाइन के लिए दिया गया है। तो आप लोग ये मत सोचो कि भाई अपकमिंग जो फ्री फायर का कोलैब है वो पूमा के साथ होने वाला है। अभी तक तो ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आया है पूमा कोलैबोरेशन से रिलेटेड, बट हु नोस कि आने वाले टाइम में ये अनाउंस भी हो जाए। थिंग्स यू डोंट नो अबाउट फ्री फायर नंबर 4। अगर आप डेली बेसिस पे बीआर खेलते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए ये चीज लैंडमाइन के बारे में। अब देखो लैंडमाइन के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब हम लैंडमाइन लगाते हैं तो खुद हम अपने लैंडमाइन में फूट जाते हैं, और हमारे टीममेट अगर हमारे लैंडमाइन के ऊपर से जाते हैं तो उनको कुछ नहीं होता। तो बेसिकली साला पता ही नहीं चलता कि ये जो सामने लैंडमाइन है ये टीममेट का है या फिर एनिमी का है। तो उसी को डिफरेंशिएट करने के लिए गरेना फ्री फायर ने टीममेट के लैंडमाइन के ऊपर ऐसा ब्लू टाइप का कुछ कलर डाल दिया है। अगर ये ब्लू टाइप का कलर आपको देखने मिलता है तो समझ जाना कि भाई ये जो लैंडमाइन है ये आपके ही टीममेट का है। बाकी यार मुझे अच्छा लगा कि भाई इतने टाइम बाद, मतलब 4 से 5 साल बाद ये लैंडमाइन का छोटा सा अपडेट आया है। तो 4-5 साल लगे भाई इस अपडेट को लाने के लिए, ठीक है लाया तो सही कम से कम। अब फ्री फायर छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दे रहा है, वो देख के मुझे अच्छा लगा। थिंग्स यू डोंट नो अबाउट फ्री फायर नंबर 3। अब बात करते हैं सुपर फास्ट स्नैपर ट्रिक के बारे में, जो मैंने वीडियो को शुरुआत में आपको फट 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 स्नैपर स्विच वाली टेक्निक बताई थी ना, मतलब सिर्फ मैंने आवाज आपको सुनाई थी, उसके पीछे की रियलिटी क्या है वो चलो मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली गाइज इतना फास्ट स्नैपर तो फिलहाल स्विच करने की टेक्निक नहीं आई है, अगर आप वो करना है तो पीसी में ही कर सकते हो वो मैक्रो वैक्रो लगा के। बट अभी के टाइम पे सीन क्या है, आपको राफेल कैरेक्टर यूज करना है, रफल कैरेक्टर यूज करने के बाद आपको ट्रीटमेंट स्नाइपर, हाँ वो हीलिंग स्नाइपर होता है ना, वो यूज करना है, और उसमें आप कंटिन्यूअसली फायर करते रहो, तो आवाज कुछ इस टाइप की आएगी। भाई सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि भाई पता नहीं कौन सा स्नैपर चला रहा है भाई, क्या कुत्ते ऐसा स्नैपर चला रहा है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है ना। यहाँ पे भाई जो ट्रीटमेंट स्नैपर या फिर हीलिंग स्नैपर कहते हैं उसे, उसमें बस प्रेस करके रखा है भाई, जो आवाज़ सुनाई आ रही है ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत कितना फास्ट स्नैपर चला रहा है। और ये हीलिंग स्नैपर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि इसका डिफॉल्ट एम नहीं आता है एनिमी पे, अगर आप डिफॉल्ट एम मारना चाहो तो नहीं आता है, आपको फुल कंट्रोल पे मारना पड़ेगा स्कोप इन करके, तभी जाके सामने वाले एनिमी को डैमेज लगेगा, और डैमेज थोड़ा कैजुअल सा
लगता है लेवल 2 के वेस्ट में 50 से 70 के बीच में डैमेज लग जाता है, और अगर बंदे के पास वेस्ट नहीं होता है तो फिर डैमेज भाई 70 से 100 के बीच में कभी लग जाता है। लेकिन भाई लोग कुछ लोगों को चू बनाने के लिए या फिर अपने टीममेट्स को भाई शॉक करने के लिए ये ट्रिक काफी अच्छी है, क्योंकि भाई लोग मेरे खुद के टीममेट्स शॉक हो गए थे। इंसिडेंट मोड फ्री फायर नंबर 2। अच्छा गाइस, आपको पता होगा भी रिसेंटली सीएस का नया रैंक सीजन आया है, और इस सीएस के नए रैंक सीजन में आपको थोड़े से ग्लिच यूजर्स कम देखने मिलेंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि भाई ग्लिच यूजर्स पूरे खत्म हो गए, लेकिन थोड़े से कम ग्लिच यूजर्स आ रहे हैं अभी के टाइम पे। अब इंटरनली सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर गरेना फ्री फायर ने ग्लिच यूजर्स के लिए क्या चेंजेस किए वो तो अभी तक मेरे को पता नहीं चला है, लेकिन रिसेंटली मैंने एक चीज नोटिस किया, आप स्क्रीनशॉट को देखो, यहां पे हमारा रैंक टायर शो नहीं कर रहा है। एंड गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड, ये अभी के सीएस रैंक सीजन में चेंज नहीं हुआ, ये पिछला जो सीएस का सीजन आया था ना उसमें चेंजेस हुए थे। लेकिन यहां पे एक अच्छा मूव लिया है गरेना फ्री फायर ने, जो रैंक है एवरेज रैंक, आपके चारों टीममेट्स का एवरेज रैंक मिला के ऊपर में शो कर देते हैं। किसी का डायमंड 4 आ रहा है तो किसी का भाई हीरोइक आ रहा है, बट जो टीममेट्स के भाई मतलब किसी का ब्रॉन्ज भी हो सकता है, किसी का गोल्ड भी हो सकता है, वो सब यहां पे नहीं दिखा रहा है। तो चलो यार, इस वजह से जो ग्लिच यूजर्स है वो कम हो गए, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि हमारे सामने जो स्क्वाड आई है उनमें से किसी का रैंक कम वगैरह है या फिर नहीं, उनको डायरेक्ट एवरेज रैंक दिखता है। किसी को मास्टर दिखेगा, किसी को हीरोइक दिखेगा, किसी को डायमंड 4 दिखेगा। लेकिन अपने फ्री फायर गेम में जो चेंजेस हुए हैं ना, ये ग्लिच यूजर्स को लेकर नहीं हुए हैं। बेसिकली कुछ टाइम पहले गरेना फ्री फायर ने एक अपडेट लाया था, मतलब एक नया फीचर लाया था फेयर मैच मेकिंग को लेके। तो फेयर मैच मेकिंग में क्या सिस्टम था कि अगर आप मास्टर के हो तो आपको हीरोइक और मास्टर के आसपास के ही बंदे आएंगे। ऐसा नहीं कि आप मास्टर के हो तो भाई आपको डायमंड 4 का बंदा आ जाएगा या फिर आपको गोल्ड 4 का बंदा आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो फेयर मैच मेकिंग को लेके, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने फेयर मैच मेकिंग हो रही है नहीं हो रही है उसी को छुपाने के लिए इंडिविजुअल बंदे का जो रैंक टायर है उसी को हटा दिया। अब पता ही नहीं चलेगा फेयर मैच मेकिंग हो रही है या फिर नहीं। या क्या मतलब, बाप रे, इतना दिमाग मेरे पास होता तो मैं आज भी वही होता जहां मैं कल था। बाय द वे, आप लोगों को ये फैक्ट पता था या फिर नहीं ये मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। बाय द वे, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आई एम डैम श्योर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फ्री डायमंड्स अगर आपको चाहिए तो मैंने 7-8 दिन पहले फ्री डायमंड्स की एक वीडियो बनाई थी, तो उसकी यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो थंबनेल का, तो हमारे चैनल पे जाके आप स्क्रॉल कर लेना, नीचे से 7-8 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी, आप उस वीडियो को देख लो, आपको पता चल जाएगा कि आपको फ्री डायमंड्स कैसे लेना है। लेकिन 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 इस वीडियो को खत्म होने के बाद अब फाइनली बढ़ते हैं थिंग्स टू नोट अबाउट फ्री फायर नंबर 1 की तरफ, और ये जो फैक्ट है ये है आईडी बैन को लेके। अभी पता नहीं यार ये नया फीचर है या फिर कुछ और है, साला टेंपरेरी टाइम के लिए आए लोगों की आईडी सस्पेंड हो रही है, बट यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि टेंपरेरी टाइम के लिए लोगों का अकाउंट सस्पेंड क्यों किया जा रहा है। जितना मैंने रिसर्च किया है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, उसके अकॉर्डिंग मेरे को 3 चीजें पता चली है। पहला तो भाई नया आईडी बैन को लेके पॉलिसी जो फ्री फायर का है, मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया कि फ्री फायर की नई नई पॉलिसी आते रहती है आईडी बैन को लेके। और कुछ टाइम पहले गरेना फ्री फायर ने इंस्टाग्राम पे ये वाला पोस्ट भी किया था कि वी हियर यू, और उसमें भाई बहुत सारी चीजें के बारे में बताया था। उसमें पहला चीज था टॉक्सिक बिहेवियर को लेके, कि आपका बिहेवियर टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, उसके बदले आपको भाई सजा दी जा सकती है। पहला पॉइंट तो भाई वो हो गया। टॉक्सिक बिहेवियर में समझ में आता है ना, मैंने आपको कई वीडियो में समझाया टॉक्सिक बिहेवियर आपको नहीं करना है यार, गाली गलौज फालतू का मत करो। वी लिटरली डोंट नो कि गरेना का एआई सिस्टम कैसे वर्क करता है, क्योंकि भाई एआई बॉट है यार, क्या पता कुछ भी कर सकता है भाई, इसलिए थोड़ा बच के रहो। और दूसरा पॉइंट आप में से मोस्ट प्रोबेबली हर लोगों को पता होगा ऑनर स्कोर को लेके। भाई अपने गेम में ना जो गरेना फ्री फायर है ऑनर स्कोर को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है। अगर आप बैक टू बैक गेम को बैक करते रहते हो भाई, आपका ऑनर स्कोर ना बहुत 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 कम ही रहता है, मतलब आपका ऑनर स्कोर भाई हमेशा ना 95 के नीचे या फिर 90 के आसपास चलते रहता है। तो आपको चीज ध्यान रखना है कि भाई ऑनर स्कोर के वजह से भी आपका जो आईडी है वो सस्पेंड हो सकता है। आपको मेरी बात ना थोड़ी सी बचकांडी लग रही होगी, आप बोल रहे होगे यार कुछ भी बोलता है करके। अगर मैं कुछ भी बोलता रहूंगा तो यहाँ पे गरेना फ्री फायर ऑनर स्कोर को लेके इतना ज्यादा इस पोस्ट में सीरियस क्यों है? फ्री फायर को क्या फर्क पड़ता है भाई, हम गेम बैक करें ना करें क्या ही फर्क पड़ता है? लेकिन फर्क पड़ता है, इसलिए तो लोग इंस्टा पे पोस्ट करें ऑनर स्कोर को भी लेके। तो ऑनर स्कोर को मेंटेन करो, हमेशा ट्राई करो कि आपको ऑनर स्कोर है वो 95 के ऊपर ही रहे। अब एक और क्वेश्चन आता है कि अगर गलती से मेरा ऑनर स्कोर 95 के नीचे तो क्या मेरा अकाउंट टेम्पररी सस्पेंड हो जाएगा? तो देखो, एक बार से कुछ नहीं होता है, 2-3 बार से भी कुछ नहीं होता है, लेकिन मल्टीपल टाइम्स आप यही चीज कर रहे हो भाई, गेम खेलते हो बीच में से गेम को बैक कर देते हो। देखो मैं आज भी कभी कभी लोन रूल्स खेलता हूँ टाइम पास के लिए, और मेरे जब स्क्वाड आ जाती है पूरी तो मैं लोन रूल्स को बैक कर देता हूँ बीच में से। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। जितना मैंने नोटिस किया है ना, टॉक्सिक बिहेवियर और ऑनर स्कोर, ये दोनों आपको अच्छे से मेंटेन करके रखना है। ऑनर स्कोर प्लस पॉजिटिव बिहेवियर, आई एम 100% डैम श्योर कि आपका अकाउंट ऑनर स्कोर के वजह से परमानेंट सस्पेंड नहीं होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 24 आवर्स के लिए तो भी आपके अकाउंट में रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, आपके अकाउंट में लाइक कह सकते हो कि टेम्पररी सस्पेंड लग सकता है। और बात
बात करें टॉक्सिक बिहेवियर की तो भाई उसमें मेरी गारंटी नहीं है, उसमें टेम्पररी सस्पेंड हो सकता है और परमानेंट भी सस्पेंड हो सकता है। वेल लेट मी नो इन कमेंट्स आप लोगों को आज का कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फ्री डायमंड्स की वीडियो की ट्रिक यहाँ पे थंबनेल है और यहीं पे कहीं पे आपको वीडियो दिखाई दे रहा होगा, वहां पे क्लिक करो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, ओवर एंड पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।